नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। प्रदेश में कोरोना महामारी के बाद ब्लैक फंगस बीमारी से कई लोगों की मौत हो रही है। वहीं इंदौर के एक निजी अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने दवाइयों के कॉम्बिनेशन से ब्लैक फंगस के 10 में से 6 मरीजों को ठीक करने का दावा किया है। डॉक्टरों का दावा है कि दवाइयों के कॉम्बिनेशन से मरीजों के कोई साइड इफेक्ट भी नहीं देखने को मिल रहे हैं। दवाइयों के कॉम्बिनेशन से सिर्फ किडनी को ऑब्जर्वेशन करना होता है। इंदौर के निजी अस्पताल की ENT ऑर्थोपेडिक नेफ्रोलॉजिस्ट और क्रिटिकल विभाग के डॉक्टरों ने एम्फोटेरिसिन दवाई का सब्स्टिट्यूट पोस्टपोनजोल उपयोग किया है। इससे कई मरीजों को ठीक करने का दावा किया है। निजी अस्पताल के क्रिटिकल हेड डॉक्टर विवेक की माने तो एम्फोटेरिसिन दवाई का शॉर्टेज महंगी होने की वजह से पोसापोनाजोल दवाई देने से ब्लैक फंगस के कई मरीज ठीक हुए हैं और उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। वहीं दूसरे डॉक्टर नया ने कहा है कि उन्होंने मरीजों की साइनस सर्जरी की है, जिसमें नाक के अंदर दूरबीन पर डालकर नाक की पूरी सफाई कर म्यूकस निकाला जाता है, जिससे कि ब्लैक फंगस शरीर के किसी अन्य पार्ट या ब्रेन को नुकसान नहीं पहुंचाता है। निजी अस्पताल के क्रिटिकल केयर और ENT डिपार्टमेंट में मिलकर ये कार्य कर रहे हैं। अस्पताल में उपचार 10 में से 6 मरीज ठीक होकर घर भी चले गए हैं। निजी अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा जो ब्लैक फंगस में उपचार किया जा रहा है, उनके दावों को माने तो ये निश्चित ही ब्लैक फंगस बीमारी में ये तकनीक कई मरीजों को नया जीवन दे सकती है। साथ ही इस बीमारी को फैलने से पहले ही रोका जा सकता है। ये बताकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि शेल्बी हॉस्पिटल में अभी हम लोगों ने रिसेंटली एक बीड़ा उठाया कि म्यूकर माइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस के पेशेंट्स को हम ट्रीट करना स्टार्ट करें। मुझे ये बता के बड़ा हर्ष हो रहा है कि हम लोगों के पास में अभी तक कुछ 10 पेशेंट्स ऐसे आए हैं जिनका कि हम लोगों ने इलाज किया है। इन 10ों में सर्जरी करके और जो जिन दवाइयाँ जो इसमें इन्वॉल्व होती हैं उन सभी को इन्वॉल्व करके हम लोगों को ऑलमोस्ट ऐसी उपलब्धि मिली है कि 6 लोग जो है वो डिस्चार्ज हो गए हैं और 4 भी रिकवरी के पाथ पे हैं। सर, अभी जो पैनिक चल रहा है कि ब्लैक फंगस को लेकर पूरे शहर में दवाइयां नहीं मिल रही हैं और लोग ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं, तो उसके किस तरह से आपने ठीक किया? ये मैं बहुत अच्छे से बताना चाहूँगा कि कई बार हम लोगों को कॉम्बिनेशन थेरेपी भी यूज़ करनी होती है। तो जब हमको एम्फोटेरिसिन बी की शॉर्टेज होती है तो हमारे लिए दूसरी जो दवाई होती है वो पोसाकोनाजोल होती है। पोसाकोनाजोल को हम लोगों ने क्या किया, शुरू में हम लोगों को एम्फोटेरिसिन 1-2 दिन के लिए मिली थी तो हम लोगों ने उससे शुरुआत जरूर की थी, पर जैसे ही कमी आई तो हम लोगों ने पहले दिन से ये भावते हुए पोसाकोनाजोल को हम लोगों ने साथ में यूज़ करना चालू किया। तो इससे यह हुआ कि जैसे ही एम्फोटेरिसिन बी का शॉर्टेज या कमी महसूस हुई शरीर में, उतने समय में क्योंकि पोसाकोनाजोल जा रही थी जो दूसरे नंबर की इफेक्टिव दवाई है, उसने टेक ओवर कर लिया और उसने धीरे धीरे फंगस को मारना चालू किया। इस दौरान हम लोगों ने अपनी जो सर्जिकल टीम है इसको इन्वॉल्व किया और जो नाक में म्यूकस वगैरह फंसी रहती है, जितना भी जो म्यूकर फंसा रहता है उनको ड्रेन आउट किया और इस पद्धति से कि 2 दवाइयों की कॉम्बिनेशन थेरेपी से और थोड़ा सा डोज को हम लोग पोसाकोनाजोल को बढ़ाकर यूज़ किया और हमें रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे मिले। सर, कोई साइड इफेक्ट तो रहेगा बाद में इसको लेकर? नहीं, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तक जो हम लोग दवाइयाँ जैसे मैंने नाम लिया है इसमें, जैसे एम्फोटेरिसिन बी का जो 2 तरह की आती है, कन्वेंशनल आती है और एक लाइपोसोमल आती है, तो कन्वेंशनल थोड़ी सी सस्ती पड़ती है, लाइपोसोमल थोड़ी महंगी पड़ती है, पर सेफ्टी प्रोफाइल के हिसाब से यह है कि अगर आप सस्ती भी यूज़ करना चाहते हैं जो अगर मार्केट में मिल जाती है तो इसे यूज़ करें। सिर्फ हमको हर 2 दिन के अंदर किडनी का स्टेटस जानना ज़रूरी होता है। उसके लिए सिंपल से खून की जांच की जाती है जिसमें यूरिया क्रिएटिनिन देख लेते हैं, उससे समझ में आ जाता है कि हम इसको मिसयूज़ तो नहीं कर रहे हैं। कितने टोटल मरीज अभी ठीक होकर निकले और अभी कितने रिकवर कर रहे हैं? अभी 10 हमारे पास मरीज हैं, इसमें से 6 रिकवर होकर जा चुके हैं और 4 धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं। डॉक्टर विवेक जोशी, मैं क्रिटिकल केयर का हेड एंड मेडिकल सुपरिंटेंडेंट हूँ शेल्बी हॉस्पिटल इंदौर। किस तरह से अच्छा किया है और क्या क्या आपने प्रयास किए थे? तो मैं शेल्बी हॉस्पिटल का जो म्यूकर का पूरा मैनेजमेंट है वो मुझे दायित्व सौंपा गया इस चीज़ का। तो हमारी पूरी टीम है जो कि एक ENT सर्जन, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, जब ब्रेन में चला जाए तो न्यूरोसर्जन, नेफ्रोलॉजिस्ट जो कि एम्फोटेरिसिन बी की ड्रग की मॉनिटरिंग करता है। तो एज अ टीम हम लोग काम कर रहे हैं। फुल टाइम यहाँ पे MRI अवेलेबल है जो कि क्रिटिकल पार्ट है उसके मैनेजमेंट का, और इंटेंसिव केयर। तो इस तरीके से एक मल्टीडिसिप्लिनरी सेटअप में अब चूंकि दवाई अवेलेबल नहीं हो रही है एम्फोटेरिसिन बी, जैसा कि सबको पता है, तो शुरुआत से ही हम बहुत अग्रेसिव रहते हैं सर्जरी की तरफ। हमारा
ये इंटेंशन रहता है कि जितना डेड पार्ट है जो फंगस ख़राब कर चुका है, साथ साथ जहाँ रखता है कि जो चांसेस है कि कुछ फंगस वहाँ तक पहुँचा होगा वो पूरा पार्ट निकाल दिया जाता है। ये सारी पद्धति दूरबीन से की जाती है, जो कि फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, फेस सर्जरी जो कि एक ENT सर्जन करता है, उस पद्धति से की जाती है। बहुत रेयर केसेस में जब ये बीमारी आँख में पहुँच जाती है तो आँख निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है, ऐसा 100 या 200 केसेस में हमें करना पड़ा, बट वो इसलिए कि पेशेंट की जान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक आँख से नहीं दिख पा रहा है, मान लो उसकी ऑलरेडी विजन जा चुकी है, उस केस में वो निकालना पड़ता है ताकि हम सेकेंड आँख को बचा सकें और वो ज़िंदगी भर हम पेशेंट को एक प्रायोरिटी एज ए लाइफ उसको दे सकें और उसका विजन भी जो एक आई में इंटैक्ट है उसको डिस्ट्रॉय होने से बचा लें। अगर एम्फोटेरिसिन भी नहीं अवेलेबल होता तो हो सकता है इतनी अग्रेसिव नहीं रखते थेरेपी, लेकिन उसके अभाव में हमें थोड़ा सा अग्रेसिवली सर्जिकली मैनेज करना पड़ा है, इसी वजह से हमारे रिजल्ट काफ़ी अच्छे जा रहे हैं। अभी जो मरीज ठीक होकर गए हैं सर, उनको कोई किस तरह का पार्ट में कोई काटपीट की गई है? सर, मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में हमने फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी जो कि फेस बोलते हैं, दूरबीन के द्वारा नाक में दूरबीन डालकर पूरा सफाई की जाती है, दोनों मैक्सिलरी साइनस, फ्रंटल साइनस, इथमोइड साइनस, स्फेनॉइड साइनस, ये टेक्निकल टर्म्स हैं। जहाँ जहाँ इन्फेक्शन पहुँचा है उसकी सफाई की जाती है, जो जो डेड पार्ट है वो निकाला जाता है। दो पेशेंट में हमें ज़रूर आँख निकालना पड़ी है जिनका विजन ऑलरेडी जा चुका था फंगस के कारण, तो वो आँख का विजन लौट आना ऑलमोस्ट नामुमकिन का था क्योंकि उसको 3 से 4 दिन हो चुके थे। लेकिन दूसरी आँख को इंटैक्ट रखने के लिए और जैसे इसके लिए कि वो बीमारी ब्रेन तक ना पहुँच जाए, हमें ये अग्रेसिव स्टेप लेना पड़ा। लेकिन वो लोग भी आज पूरी तरह स्वस्थ हैं, अभी डिस्चार्ज नहीं कर पाए क्योंकि उसका मैनेजमेंट थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन उनका प्रोग्रेस काफ़ी अच्छा चल रहा है। मैं डॉक्टर नयन गुप्ता, मैं कैंसर सर्जन हूँ, बट अभी पूरा म्यूकर का मैनेजमेंट शैल्बी का मैं सर के साथ मिलकर देख रहा हूँ।